चीज़ हम देखते हैं कि सड़क बनती है और उससे पहले उखड़ना शुरू हो जाती है। आज भारतीय जनता पार्टी जन जन के दिल में बैठी हुई पार्टी है। आपका ध्यान सिर्फ गैस पर है। नहीं, मेरा ध्यान पेट्रोल पर है। आपका ध्यान गौरव जी गैस पर है। बहुत सारी एक ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो हमारे डेवलपमेंट से हमारे फिरोजाबाद को चमन कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी की एकमात्र ऐसी सरकार है जिसने देश में फ्री राशन देने का काम किया। लेकिन गौरव जी आज भी एक ऐसी महापुरुषों की मूर्तियां हैं जो नगर निगम में धूल कि हमारे मंगल पांडे जी की मूर्ति को मैं कहीं ना कहीं स्थान देने का काम करूंगा। ये मेरी बड़ी प्राथमिकता है जो काम नहीं हो पाया निगम से। नमस्कार, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका KIA के स्पेशल सीरीज की इंटरव्यू में। दोस्तों आज हम चूंकि नगर निकाय चुनाव चल रहे हैं और हम आपको लगातार जो आवेदक हैं उनसे परिचय करा रहे हैं और उनसे रूबरू कर रहे हैं हम लोग। आज हमारे साथ जो हमारे मेहमान हैं वो हैं श्रीमान निकुंज शुक्ला जी। निकुंज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद गौरव जी। निकुंज शुक्ला जी इस समय वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी में महानगर में सह मीडिया प्रभारी हैं और निकुंज जी ने भारतीय जनता पार्टी से ही आवेदन किया है महापौर पद के लिए। तो निकुंज जी, सबसे पहले तो मैं जो दर्शक आपको नहीं जानते हैं उनको मैं चाहूँगा कि आप अपना परिचय दें एक बार। जी जी, मेरा नाम निकुंज शुक्ला है और मैं अपने भारतीय जनता पार्टी में मीडिया का कार्य देखता हूँ महानगर में। जी जी, और मैंने अपना जो पूर्व में अपना राजनीतिक जो अपना करियर शुरू किया है, मैं अपने बाल्यकाल से ही संघ का अपना स्वयंसेवक रहा हूँ गौरव जी। जी, और उसके साथ साथ ही मैंने शिक्षा के साथ अपने एक जो अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक अनुसांगिक संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में भी मैंने एक लंबे समय तक कार्य किया है। और उसके कार्य के बाद ही मैंने अपने युवा मोर्चा में भी दो बार महामंत्री रहा हूं। आज वर्तमान में अपने सह मीडिया प्रभारी का कार्य मैं अपने नगर में देख रहा हूं। पार्टी का विश्वास है कि मुझे पद के लिए मुझे दायित्व के लिए समझा, मैं उस कार्य को निभा रहा हूं। जी जी, निकुंज जी, पहला सवाल आपसे ये है कि तमाम आवेदन भारतीय जनता पार्टी में भी आए हैं। जी गौरव जी, आपको क्या लगता है कि आपने भी आवेदन किया है? जी, तो क्या कोई और आपकी रेस में, इस रेस में आपका कंपटीटर साहब है गौरव जी, या आप अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं? नहीं नहीं, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं आपके कैमरे में ये बोल पाऊं कि मैं किसी से सर्वश्रेष्ठ हूं। ये तो माने भगवान के सामने ऐसा गलत नहीं बोलना चाहिए, किसी के सामने नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये मांग तो कोई भी किसी से चीज सकता है, लेकिन है क्या कि संगठन है ये गौरव जी। यहाँ किसी दुकान पर हम पैसे देकर सामान खरीदना एक अलग चीज है जी, लेकिन जब हम किसी संगठन में काम करते हैं और जो संगठन के हमारे बड़ा शीर्ष होते हैं, जो संगठन को संचालित करते हैं, ऐसे कई एक लोग होते हैं जिनके सामूहिक निर्णयों से ही किसी निर्णय पर पहुंचा जा सकता है, तो यहां इतना मुमकिन नहीं है। बाकी मैं रेस में नहीं हूं, ये संगठन तय करेगा, लेकिन मैं आवेदक हूं, मेरी क्षमताएं हैं, मैंने कार्य किया है। चलिए, किन किन मुद्दों को लेकर के आपने आवेदन किया है और आप किन किन मुद्दों पर जनता को चाहेंगे कि मैं इस पे खरा उतरूं? जी गौरव जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। मुद्दे, और वास्तव में एक नेता के पास अगर मुद्दे नहीं है लड़ने के लिए तो उसकी लड़ाई भी बेकार है जी। मुद्दे बहुत जरूरी है गौरव जी। मैं एक आपको बात बताऊं, जब से हमारी नगर निगम बनी है और उससे पहले से ही फिरोजाबाद की जो भौगोलिक स्थिति है ना, वो इस प्रकार की है कि यहाँ का जो माहौल है, आपने देखा होगा कि बहुत छोटी छोटी संकरी गलियां हैं, और हमारे जो इस प्रक्षेत्र में भौगोलिक संख्या जो हमारी जो पब्लिक की बढ़ रही है, उसमें आपने देखा होगा कि जो आबादी के हिसाब से शहर और हमारा कंजेस्ट होता चला जा रहा है, और उसमें भी हमारी एक ऐसी नीतियां हैं जो संचालित ठीक प्रकार से नहीं हो पा रही है। आपने देखा होगा कि ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए हमारे चौराहों पर ट्रैफिक लाइट भी लगाई गई है जी, लेकिन उनका अनुपालन कितना हो पा रहा है ये तो आप महसूस कर रहे होंगे। सारे लोग नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। एक चीज, शहर की एक बहुत बड़ा जो मुद्दा है
ये वास्तव में है कि शहर बिल्कुल जाम से ग्रस्त रहता है। आप सुबह घर से जब निकलेंगे तो आपको पता नहीं कि कितना समय उस कार्य के लिए आप निकले हैं, वहां पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, ये बात आप जान रहे हैं जी। एक विकराल समस्या है शहर में जाम की, जिसे मुझे लगता है कि अभी तक कोई भी अमली जामा ठीक से नहीं पहनाया जा सका है। अगर चुनाव में मुझे कोई मौका मिलता है तो आप निश्चित मानिए मेरा सबसे पहला ब्रेक अगर किसी चीज को करने का होगा तो ये ट्रैफिक होगा। ठीक, एक चीज जी गौरव जी, मुद्दा अगर है तो पब्लिक में जहां तक अभी हमारे विकास की संरचना नहीं पहुंच पाई है, अभी भी ऐसे कई एक क्षेत्र ऐसे हैं, चाहे वो अपने हिंदू बाहुल क्षेत्र में हो चाहे अपने मुसलमान बाहुल क्षेत्र में हो, कई एक क्षेत्र ऐसे नए भी पुराने भी इस प्रकार के छूटे हुए हैं कि जहां मुझे लगता है कि अभी बहुत सालों से विकास की एक कुंजी तक वहां नहीं खुल पाई जी। ऐसे भी कई एक क्षेत्र है जहां अभी पानी की बहुत बड़ी समस्या है, ठीक, सड़कों की बहुत बड़ी समस्या है। इन चीजों पर अगर हम वहां जाकर बातचीत करेंगे, मौका बनेगा मिलेगा करेंगे, तो वास्तव में जनता को भी इन चीजों की आज बहुत बड़ी आवश्यकता है। मेरा दूसरा मुद्दा यह है। ठीक, तीसरा क्या है गौरव जी, आपने देखा होगा कि जो हमारे इस फिरोजाबाद नगर में जी बहुत सारी एक ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो हमारे डेवलपमेंट से हमारे फिरोजाबाद को चमन कर सकती है। अभी हमारे फिरोजाबाद का उस प्रकार का डेवलपमेंट स्ट्रक्चर बना ही नहीं है कि जिससे हमारा शहर चमन हो सके। तो एक इस प्रकार का मुद्दा मेरे साथ इस चुनाव में मेरा रहेगा, जनता के लिए प्रयास करूंगा। और चार मुद्दे आपने बताए, सबसे पहले आपने ट्रैफिक की बात जी, करी जी, फिर आपने विकास की बात जी, करी जी। और आपने डेवलपमेंट की बात जी। आपको क्या लगता है कि पिछले 5 वर्षों में, क्योंकि नया नगर निगम हुआ था बरोबर, और नए नगर निगम के बाद में ये दूसरा कार्यकाल होगा जी, जो भी आएगा जी, ये दूसरा सत्र रहेगा बिल्कुल, तो पिछले सत्र में क्या ऐसी काम रह गए जो होने चाहिए थे और वो नहीं हो पाए किन्हीं कारणों जी, से जी। इसमें गौरव जी मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताऊं, और ये सामाजिक चीजें हैं, बतानी भी चाहिए जी, क्योंकि ऐसी बातें जब नहीं हो पाती हैं तो चीजें नगण्य हो जाती हैं और लोगों का ध्यान उन चीजों से हटाया भी जाता है। राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है, हमारे इस नगर निगम क्षेत्र में जो एक प्रमुख बात है और लोगों को समझनी भी चाहिए, उसे देखना भी चाहिए, और जो हमारे जनप्रतिनिधि शायद कहीं ना कहीं उन चीजों से बच रहे ऐसा नहीं है, लेकिन वो काम नहीं हो पाए, जिसमें हमारे इस महानगर में एक बहुत हमारे महापुरुषों की मूर्तियां लगी हुई हैं, आपने देखी होंगी, कुछ सामाजिक लगी हैं, कुछ राष्ट्रभक्तों की देशभक्तों की लगी हैं, लेकिन गौरव जी आज भी एक ऐसी महापुरुषों की मूर्तियां हैं जो नगर निगम में धूल फांक रही है। आप विश्वास मानिए ये ऐसे महापुरुषों के साथ कृत्य अच्छा नहीं होता, मुझे जो लगता है, तो अगर मुझे मौका मिलता है तो आप विश्वास मानिए कि हमारे मंगल पांडे जी की मूर्ति को मैं कहीं ना कहीं स्थान देने का काम करूंगा, यह मेरी बड़ी प्राथमिकता है, जो काम नहीं हो पाया निगम से जी। इसके और ऐसे कामों से समाज को जोड़ा जा सकता था, ऐसे प्रयास नहीं हो पाए। कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि लोगों में आरोप ये रहा, हमने कई लोगों से बात की, हमारे स्टूडियो में भी हमारा नेता कैसा हो, एक दूसरा प्रोग्राम हम चलाते हैं जिसमें हम नगर के कुछ प्रमुख लोगों को बुलाते हैं और उनसे समस्याएं पूछते हैं, तो लोगों ने आरोप लगाए कि पिछली बार जो सत्र रहा उस सत्र में आपसी सामंजस्य की कमी से या किसी अन्य कारणों से, चाहे वो मतभेद रहे हों पार्षदों के और महापौर के बीच में, चाहे वो मतभेद रहे हों विधायक और महापौर के बीच में, चाहे वो मतभेद रहे हों अधिकारियों और महापौर के बीच में, किन्हीं कारणों से कई सारी चीजें ऐसी थी जो क्रियान्वित नहीं हो पाई, जिनको सही तरीके से क्रियान्वित होना था, चाहे वो योजनाएं हो, चाहे वो समस्याएं हो, चाहे वो और भी कोई चीज हो जी, जी। तो आपको क्या लगता है कि उसमें किसकी कमी रही, पहला सवाल जी। और इसके और इसी से जुड़ा दूसरा सवाल ये कि अगर आप महापौर बनते हैं तो क्या आप में वो चीजें नहीं दिखाई देंगी जो पिछले सत्र में जी जी। देखिए गौरव जी, है क्या, राजनीति में महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाती हैं,
और जब आप किसी पद पर बैठे होते हैं तो आपको सारे समाज की सारी व्यवस्थाओं की जो बागडोर है वो आपके हाथ में है, कमान आपके हाथ में है। और इस स्थान पर बैठकर आप अगर निर्णय सही नहीं कर पाते हैं, आप अपनी स्वीकृति नहीं प्रदान कर पाते हैं, आप समझ ही नहीं पाते हैं कि स्थिति क्या है, तो आप राजनीति में फिर फेल है। मैं कमी नहीं निकालूंगा किसी में भी, सबके अपने प्रयास हैं, सब करते हैं, क्या भी है। उत्तर प्रदेश सरकार में हमारे बैठे योगी जी ने विकास के लिए कभी दरवाजे बंद नहीं किए फिरोजाबाद के लिए, और देखा भी होगा ऐसा नहीं है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से निरंतर रूप से विकास की एक अलग ही गाथा, चाहे वो उत्तर प्रदेश पूरे देश में ही लिखी जा रही है, इसमें कोई दोराय नहीं है। आप भी जानते होंगे, आप भी पत्रकारिता कर रहे हैं गौरव जी, आप देख भी रहे हैं जी, आप लिख भी रहे हैं, छाप भी रहे हैं, तो है क्या विकास का कहीं ऐसा नहीं है कि कोई एजेंडा बना हो, कहीं मुद्दा बना हो। आपने देखा होगा, देखा भी है कि बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट भी नहीं हुए सरकार में जी, क्योंकि सरकार से सब लोग संतुष्ट हैं, सरकार में कोई ऐसी कमी नहीं है कि वो किसी के भेदभाव के साथ किसी को बदलने का या किसी पर आरोपित करने का काम करे। सरकार अपने एक मन से काम कर रही है, ऐसा नहीं है, सब बढ़िया है। और जो आप कह रहे हैं कि किसी के आपसी मतभेद, मुझे लगता नहीं है, कुछ समय के लिए चीजें ऐसी होती हैं कि मैं आपके मन का नहीं हूं, आप मेरे मन के नहीं है, थोड़ी चीजें आती हैं कभी कभार, लेकिन इसे किसी चीज के लिए मुद्दा नहीं बना सकते, क्योंकि सब भाजपा एक परिवार है, पार्टी है, लेकिन अलग बात है, सब दिलों पर राज करते हैं। चलिए जी, शुक्ला जी, क्या लगता है आपको, पिछले सत्र में जो महापौर थी वो भी भारतीय जनता पार्टी से थी, आपको क्या लगता है कि इस बार भी जो महापौर होगा वो भारतीय जनता पार्टी से ही होगा? देखिए गौरव जी, बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने, और अच्छी बात है, पूछना भी चाहिए, लेकिन आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का ही मेयर क्यों बनेगा। एक चीज आप देख रहे होंगे कि आज भारतीय जनता पार्टी दलगत से बहुत ऊपर पहुंच गई है। आज भारतीय जनता पार्टी कोई दलों की पार्टी नहीं रह गई है, आज भारतीय जनता पार्टी जन जन के दिल में बैठी हुई पार्टी है, जो सिर्फ सेवा का भाव लेकर जनता में अपना काम कर रही है। आज आप देख रहे होंगे सारे चौहोर राम राज्य का निर्माण हो शुरू हो चुका है, राम राज्य है, लोग सुखी हैं, सब लोग अपने घर में सुरक्षित हैं, सुरक्षा का वातावरण है, तो मुझे लगता नहीं है कि कहीं भी किसी जहां एक पार्टी का आतंक रहा हो। आपने आपने जी कहा जी। कि लोग सुखी हैं, वहीं दूसरी पार्टियों के आरोप ये हैं कि जी लोग दुखी हैं, महंगाई इतनी हो गई है कि लोग बेचारे त्राही त्राही कर रहे हैं जी जी। तो आप कह रहे हैं सुखी हैं, ऐसा दोनों दो चीजें एक साथ कैसे हो सकती है? नहीं नहीं गौरव जी, मैं आपको या तो लोग सुखी होंगे या तो लोग दुखी होंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको बता सकता हूँ, देश की 130 से ज्यादा करोड़ की आबादी है हमारे देश की जी, और मैं एक बड़ा आपको साधारण सा उदाहरण आपको पेश कर रहा हूँ। एक परिवार में एक बाप को भी पांच, जब उसके बच्चे होते हैं, चार बच्चे होते हैं, तो उनको संभालने में एक बाप को सामंजस्य बनाना बड़ा टेढ़ा पड़ जाता है। और भारत एक बड़ा परिवार है जिसकी एक बड़ी आबादी है, और उस आबादी को मेंटेन करना, उनको संरक्षित करना, आपको लगता है कि प्लस और माइनस बन नहीं पाएगा प्लेटफॉर्म, कुछ चीजें होती हैं। और आप जहां महंगाई की बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि महंगाई एकदम से बढ़ गई है कोई, आप देख रहे हैं बहुत सारी चीजें कंट्रोल में, महंगाई से लोग परेशान नहीं है। पिछले 7 साल पहले चूंकि आप भाजपा को समर्थन करते हैं, भाजपा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इस समय, तो मैं आपको बता दूं कि पिछले 7 साल पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, उस समय सिलेंडर के जो दाम थे वो आज के मौजूदा दामों से आधे से भी कम थे। बरोबर, बिल्कुल सही बात है गौरव जी। तो इतने दिनों में ये इतना बड़ा परिवर्तन कैसे हो गया? देखिए, आपका ध्यान सिर्फ गैस पर है। नहीं, मेरा ध्यान पेट्रोल पर भी है। आपका ध्यान गौरव जी गैस पर है, आप गैस से ऊपर जाइए। मेरा ध्यान पेट्रोल पर भी है, और मेरा ध्यान रुपए पर भी बिल्कुल है। बिल्कुल, डॉलर आप देख रहे होंगे कि डॉलर की कीमत बढ़ रही है और रुपया गिर रहा है। बिल्कुल गिर रहा है। मैं आपको बताऊं, आज आप देख रहे होंगे कि जो पहले पेट्रोल और डीजल जो महंगे करके बेचे जाते थे या कम कर बेचे जाते थे, उस जो काला जो धन इकट्ठा होता था उसको वो कहां ले जाते थे। आज आप देख रहे हैं कि पिछले कोरोना काल से ही भारतीय जनता पार्टी की एकमात्र ऐसी सरकार है जिसने देश में फ्री राशन देने का काम किया है, और लोग समय पर राशन पाकर बड़ा खुशहाल है। आपको कहां महंगाई, मुझे लग रहा है महंगाई से नहीं, लोग जो ग्रस्त थे वो इस जो वातावरण अभी बना हुआ था, जो
भ्रष्टाचार का, आतंकवाद का, भागदौड़ का, उसमें लोग रुके हैं, ऐसी बात नहीं है। चलिए वापस आते हैं नगर पे। जी जी जी। नगर में आपको और क्या क्या कमियां दिखती हैं जी जी। जिसको अगर आप महापौर बनते हैं तो आप सुधारेंगे? जी, मेरी एक तो मैंने आपको बताया गौरव जी कि जाम की एक बड़ी समस्या जी, जाम की समस्या जी जी। और इसके लिए एक बहुत बड़ी हमारे जो शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में एक जो ई वाहन है, किस किस तरीके से सुधार सकते जी हैं? जी, देखिए मैं आपको बताऊंगा बात, हमको प्रॉपरली कुछ मार्ग ऐसे हैं जिन्हें डिवाइडेशन करना पड़ेगा वन लाइन। अच्छा जी, और ये कड़े निर्णय हमको लेने पड़ेंगे, हमारी ट्रैफिक व्यवस्था में तभी सुधार आ पाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हमारे यहाँ एक चूड़ियों का ऐसा व्यापार है जो गली गली में घरों घरों में, और वहां से जो उनकी ट्रेवलिंग व्यवस्था है जैसे ट्रिरी है, ठेला है, चार पहिया वाहन है, इन वाहनों में क्या होता है कि इन वाहनों से पूरा शहर हमारा दौड़ता है। लेकिन हमारी अगर कुछ एक व्यवस्थाएं ऐसी हैं जो ट्रैफिक में कंट्रोल की जा सकती है, जो है हमारी वहां पर एंट्री पर व्यवस्था हमारी गाड़ी पार्किंग की, जो अभी तक बिल्कुल संचालित रूप से सुचारू है ही नहीं, अगर हम ऐसे वाहनों पर कंट्रोल करेंगे पार्किंग के लिए आपके जलेसर रोड पर भी और कोटला रोड पर भी दोनों चौराहों पर पार्किंग के लिए पार्किंग स्टैंड बनाए हैं ऑटो और टेरी के लिए, तो फिर क्यों वहां पर ट्रैफिक रहता है? मैं गौरव जी आपको बताऊं, एक तो क्या है कि वहां के जो ट्रैफिक आप बता रहे हैं कि पॉइंट बने हुए हैं, लेकिन वहां जो संचालित है व्यवस्था उन पर हमारी कंट्रोलिंग पुलिस नहीं कर पा रही है। नहीं तो ये इन चीजों पर कंट्रोलिंग करने की आवश्यकता है, किसकी कमी मानते हैं? नहीं ऐसा नहीं है, पुलिस भी ध्यान करती है वहां पर, लेकिन व्यवस्था क्या है कि कुछ जैसे जाम लगा तो पुलिस एक्टिव है, और उससे पहले जाम लग रहा है तब तक वो एक्टिव नहीं है गौरव जी, तो वो थोड़ी व्यवस्थाएं हैं, अगर ये कंट्रोल हो जाएंगी तो इन व्यवस्थाओं में सुधार आ जाएगा। चलिए आपने ट्रैफिक की बात की जी गौरव जी, और आपने एक बात और की थी कि आप शहर को का डेवलपमेंट करेंगे जी जी। आपने अपने मुद्दों में वो बात रखी थी, किस तरीके से और क्या डेवलपमेंट आप सोच रहे हैं? देखिए हमारे अभी डेवलपमेंट में आपने देखा होगा कि फिरोजाबाद हमारा चूड़ियों का उद्योग है, कांच का उद्योग नगरी है हमारी, बहुत सुंदर सुंदर हमारे यहाँ व्यापार है। इनके अलावा भी अभी आप हमारे शहर में आप देखते होंगे कि जो कन्वेस्ट है, इनसे बाहर हमारा जो डेवलपमेंट हो रहा है, नई आबादियाँ बस रही हैं इन जगहों पर। अगर हम अपनी जो लाइटिंग की व्यवस्था है जो अभी हमारी बहुत सीमित जगहों पर ही पहुँच पा रही है, जहाँ से नहीं पहुँच पा रही है, इन चीज़ों से भी शहर में हमारे सुधार आ सकता है। एक चीज़ डेवलपमेंट क्या है, जो सड़कें हैं, जो गलियां हैं, इनको ठीक तरीके से बनाई जाए, जो अभी तरीके से संचालित नहीं है, बहुत सारी सड़कें खुदी पड़ी हैं, उनको कंट्रोलिंग की जाए, इस प्रकार के वातावरण से माहौल बने। एक चीज हम देखते हैं कि सड़क बनती है और उससे पहले उखड़ना शुरू हो जाती है, आपके चाहे वो पानी के पाइपलाइन के लिए उखाड़ी जाए, चाहे सीवर के लिए उखाड़ी जाए, और तो फिर ऐसी सड़क बनाने का लाभ क्या है? क्या नगर निगम और जल निगम आपस में सामंजस्य करके पहले क्या होना चाहिए, और क्या उस रोड को बनने के बाद में पानी की या सीवर की जरूरत पड़ेगी, तो ये चीजें पहले से प्लान क्यों नहीं की जाती? सड़क बनाने के बाद इसका ध्यान क्यों आता है? मुझे जो लगता है इसमें कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन की कमी है। अगर हम इस बातचीत कर कोई कार्य करें, मैं आप सही कह रहे हैं बिल्कुल, जैसे हमारी कभी टेलीफोन लाइन ने सड़क खोदी, कभी पानी की पाइपलाइन ने, होता क्या है कि अब जैसे किसी आदमी ने अपने गड्ढा करना है घर के सामने, तो उसकी इतनी मर्जी है कि उसने गड्ढा किया, पाइपलाइन जोड़ ली और उस गड्ढे को ऐसे ही भर के छोड़ दिया, ये गड्ढा बनने का काम होता है। नई सड़कों पर आप देखेंगे कई एक जगह ऐसे काम हो रहे हैं, तो इनसे भी सड़क वहां से जैसे खुदती चली जाती है तो वो धीरे 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 बड़ा बनता जाता है, और इसी प्रकार से व्यवस्था सारी ध्वस्त हो जाती है। नहीं नहीं आपने भटका दिया, नहीं नहीं मैंने आरोप नगर निगम पे, जल निगम पे लगाया था जी जी। तो वो क्यों खोद देते हैं? आपने बात की कि वो जनता खोद देती है, जनता खोदेगी छोटा सा एक गड्ढा खोद देगी, लेकिन वो नगर निगम और जल निगम तो पूरी सड़क खोद देते हैं। वो इतना ही है गौरव जी, नहीं ऐसा नहीं है, फिर उनकी जिम्मेवारी भी होती है उसको बनाना, रीलाइन डालना उसको, लेकिन अब है कहीं कहीं ना कहीं ये कम्युनिकेशन में उनकी बातचीत में कहीं ना कहीं कमी रही है, इन चीजों पर सुधार बहुत जरूरी है जी। क्योंकि देखिए शहर को साफ सुथरा रखना और
और एक अच्छा सौंदर्यीकरण देना, ये भी एक नगर निगम का ही काम है। और नगर निगम को ये सोचना चाहिए कि जब हम उसको डेवलप कर रहे हैं, किसी रोड को दोबारा रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो उससे पहले हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि उसके आगे कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आने वाली हैं, तो उनको पहले से ध्यान में रखना चाहिए। उतने दिन के लिए उस सड़क को रोक दें, उसके बाद उसको डेवलपमेंट करें, तो ये चीजें पहले से ध्यान में रखना चाहिए। ये एक महापौर का भी दायित्व, और इससे नगर निगम का बहुत सारा ऐसा खर्चा जो बेवजह होता है, मतलब सड़क बनी और फिर खुदी और फिर बनी, तो उससे बचाया जा सकता है। बिल्कुल। अंतिम संदेश आप जनता से या कोई अपील आप करना चाहें तो वो आपके सामने कैमरा है। गौरव जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपके श्रोतागणों ने मुझे सुना है जी, और आपके इस पूरे चैनल के माध्यम से मैं सभी लोगों से इस बार इस प्रकार की अपील करना चाहता हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने मुझे मेयर के लिए एक मौका दिया, तो मैं प्रयासरत रहूँगा कि जो चीज़ें बिगड़ी हुई हैं इन्हें कंट्रोल करने का मुझे अवसर मिले, नगर की एक नई व्यवस्था बने और हम उस सुचारू रूप से उस तरफ दौड़ पाए, तो गौरव जी मैं बड़ा अपने आप को कृतज्ञ और धन्य मानूंगा। आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोतागणों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जी। आशा है निकुंज शुक्ला के द्वारा दिया गया ये जो जानकारी है, जो उन्होंने कहा, जो उन्होंने वादे किए, जो उन्होंने दावे किए, अगर वो महापौर बनते हैं तो वो क्या क्या इस नगर में बदलाव करने वाले हैं। आपको अगर ये सब जानकारियां पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को शेयर करके दूसरों तक ये जानकारी पहुंचा सकते हैं। बाकी आपकी क्या राय है ये आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं, साथ में आप ये भी बता सकते हैं कि अगले इंटरव्यू में आप किसके साथ यहाँ हमारे साथ मंच साझा करना चाहेंगे, वो भी आप कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।